एक्टर आदिल हुसैन ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने करियर में सिर्फ एक फिल्म को करने को लेकर रिग्रेट करते हैं, वो कबीर सिंह है। उनका कहना है कि उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, यही वजह है कि उन्होंने ये फिल्म की, जिसके जवाब में अब कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने करारा जवाब देते हुए लिखा है, योर बिलीफ इन 38 फिल्म्स डिडंट गेट एज मच फेम टू यू एज योर रिग्रेट ऑफ वन ब्लॉकबस्टर फिल्म डिड। आई रिग्रेट कास्टिंग यू नोइंग दैट योर ग्रीड इज बिगर देन योर पैशन। नाउ आई विल सेव यू फ्रॉम द शेम बाय रिप्लेसिंग योर फेस विद एआई हेल्प। नाउ स्माइल प्रॉपरली। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआरके की डॉटर सुहाना खान की थिएट्रिकल डेब्यू फिल्म किंग में अब एसआरके का सिर्फ कैमियो नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड रोल होगा और एसआरके इस फिल्म में सुहाना के फादर और मेंटो का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, दी एसआरके सुहाना फिल्म हैज अंडरगॉन मल्टीपल रिराइट्स एंड पॉलिशिंग इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। The project was earlier intended to be a mega theatrical debut vehicle for Suhana, with SRK merely playing a cameo, much like he did in Alia Bhatt's Dear Zindagi. But the script has now been altered, turning it into a proper Shah Rukh Khan film, with Suhana playing a parallel lead alongside him. Alia Bhatt Arjun Kapoor Stara 2 States ne 10 saal poore kar liye hai. इस मौके पर आलिया भट्ट और करण जौहर ने पोस्ट शेयर किया है। आलिया भट्ट टुक टू हर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड शेयर्ड ए बीटीएस वीडियो ऑफ द सॉन्ग लोचा ए उल्फत। करण जौहर ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वन लव द मोस्ट अमेजिंग जर्नी फिल्ड विद वॉर्म्थ @अपूर्वा1972 @अर्जुन कपूर @आलिया भट्ट @अभी वर्मन @धर्मा मूवीज़।